नमस्कार, मैं डॉक्टर समीर वैद्य, मैं एक चेस्ट फिजिशियन हूँ। होम ऑक्सीजन थेरेपी, यानी कब मरीज को घर पे ऑक्सीजन दी जाए। ऑक्सीजन जो है वो मरीज को तब दे जानी पड़ती है जब उसकी नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग में उसके शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। ऑक्सीजन का और कोई उपाय नहीं है। यदि मरीज को ऑक्सीजन की कमी है तो उसको ऑक्सीजन ही देना पड़ेगा। जिन मरीजों को क्रॉनिक बीमारियां हैं, यानी जिनकी काफी लंबे समय से बीमारी चल रही है और अब वो इस स्टेज पे आ गई है कि उनके लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में मरीज को घर पे ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। इसमें मुख्य रूप से जो बीमारियां आती हैं वो है COPD, यानी स्मोकिंग के कारण फेफड़े खराब होने की बीमारी, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, फेफड़े कड़क होने की बीमारी, कई बार जिनको पुराना TB रहता है, जिनको पुराने इन्फेक्शन रहते हैं, ब्रोंकाइटिस रहता है, उनमें भी ये देना पड़ता है। जिनको चेस्ट वॉल डिसीजेस रहती है, यानी जिनका हड्डी टेढ़ी है, जिनको स्पाइन डिफॉर्मिटी है, उनको भी होम ऑक्सीजन थेरेपी देना पड़ता है। होम ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो बहुत ही कैलकुलेटेड और बहुत ही सुपरविजन के अंडर दी जाती है। उसका इतना सिंपल नहीं है कि अगर मरीज को सांस फूले या ऑक्सीजन कम हो तो तुरंत ऑक्सीजन दे दो। इसे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह और सुपरविजन में ही लेना चाहिए।